हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारा चेहरा और पूरी बॉडी बहुत ज्यादा गोरी और निखरी हुई दिखाई देती है, लेकिन कई बार चेहरा और बॉडी गोरे होने के बावजूद भी हमारी गर्दन काफी ज्यादा काली हो जाती है। हमारी गर्दन पर बहुत ज्यादा डेड स्किन सेल्स जमी रहती है, लेकिन हम ज्यादातर अपने चेहरे पर और गले पर ही फोकस कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जितना ज्यादा सॉफ्ट हमारा चेहरा होता है, हमारी गर्दन की स्किन भी उतनी ही सॉफ्ट होती है। इसीलिए हमारी गर्दन को भी सही एक्सफोलिएशन यानी कि सही तरीके से स्क्रब करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा गोरा है लेकिन आपकी गर्दन बहुत ज्यादा काली है तो मेरी ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने चेहरे की डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करते हैं और मॉइस्चराइजेशन करते हैं, उसी तरीके से हमारी गर्दन को भी स्क्रबिंग की जरूरत होती है। गर्दन को अच्छे तरीके से स्क्रब करने के लिए आप नींबू और बेकिंग सोडा को मिक्स करके स्क्रबिंग करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी गर्दन से सारे मैल और सारी डेड स्किन सेल्स को आसानी से साफ कर देगा। इसके बाद आप अपनी गर्दन पर मॉइस्चराइजेशन जरूर करिए। मॉइस्चराइजेशन के रूप में आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप दूध की मलाई को ही मॉइस्चराइजर की तरह अपनी गर्दन पर रगड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपकी त्वचा के सारे खुले हुए पोर्स अच्छे तरीके से अपनी नॉर्मल शेप में वापस आने लगेगी। इसी के साथ साथ अपनी गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए आप टमाटर के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी गर्दन पर आप पैक भी लगा सकते हैं। आप कोई भी पैक जो भी अपने चेहरे पर प्रयोग करते हैं, उसी पैक को आप अपनी गर्दन पर लगाकर सूखने के बाद वॉश कर दीजिए। अगर आप एक हफ्ते तक ऐसा लगातार करते हैं तो ये आपकी गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए काफी अच्छा सुझाव है। दोस्तों, इन सारी चीजों को ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।